नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विद्युत और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके और हमारे YouTube चैनल जे एस आर कलौंडा में। गाइस, आपने मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में जिस वीडियो को देखा, इस वीडियो का आइडिया दोस्तों सरोज भाई का है। गाइस, अगर आप सरोज भाई के वीडियो को देखिएगा तो फ्रेंड्स वो कुछ इस तरह से जंप करके दोस्तों स्कूटी में इस तरह का वीडियो आप बनाए हैं। तो गाइस, आपको भी अगर कुछ इस तरह का वीडियो बना के दोस्तों टिकटॉक में लाइक्स और फॉलोअर पाना है तो मेरे इस फिर वीडियो को दोस्तों आप शुरू से लेकर एंड देखिएगा। गाइस, आज के इस वीडियो को मैं आपको सबसे आसान और इजी स्टेप को फॉलो करके आपको फ्रेंड्स इस तरह का वीडियो बनाना सिखाऊंगा। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले, तो वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, आप अगर मुझे नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है विद्युत और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके और हमारे YouTube चैनल जे एस आर कलौंडा में। गाइस, और एक बात, आपको अगर दोस्तों टिकटॉक में कुछ अलग टाइप का VFX वीडियो देखने को मिलता है जिसका फ्रेंड्स आप ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप क्या कीजिएगा, मेरे इस वाले इंस्टाग्राम आईडी पर दोस्तों उस वीडियो को जरूर आप भेज दीजिएगा, या फिर दोस्तों आप उसी वीडियो में @ लिख के जे एस आर कलौंडा लिख दीजिएगा। जैसे गाइस आप इतना कर दीजिएगा, मेरा जो टिकटॉक का आईडी है वो वहां पर मेंशन हो जाएगा और दोस्तों मैं उस वीडियो को देख लूंगा। गाइस, आप अगर मुझे बकते हुए पहली बार सुन रहे हो या फिर मेरे चैनल पे ही पहली बार आए हो तो फ्रेंड्स आपको इसी वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल सिलेक्ट कर ले ताकि मैं कुछ वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलेगा। तो गाइस, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस तरह का वीडियो को बनाने के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, आपके ट्राइपॉड को कुछ इस तरह से माउंट करना होगा और वहां पर दोस्तों आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में दोस्तों आपको कुछ इस तरह से दौड़ के दोस्तों आपको स्कूटी को पार करना होगा। जैसे गाइस आप स्कूटी को पार कर रहे हो वहां पर फ्रेंड्स आपका जो जैकेट हो या फिर कुछ भी शर्ट हो वो वहां पर फेंकना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, एक बार उस वाले जैकेट को फ्रेंड्स यहां पे पहन के एक बार दौड़ के जंप करके आपको पार करना है। इसके बाद का प्रोसेस जो है आपको अपने स्मार्टफोन के काइंड मास्टर को ओपन करके बताऊंगा। तो गाइस, चलिए आप अपने स्मार्टफोन के काइंड मास्टर को ओपन कीजिए, मैं फ्रेंड्स वहां पर जाके आपको आगे का प्रोसेस बताता हूं। तो गाइस, यहां पर देख सकते हैं जो मेरा स्मार्टफोन का काइंड मास्टर एप्लीकेशन है उसको मैंने ओपन कर लिया है। अब फ्रेंड्स आपको बीच में जो नियुक्ति फाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस बार नियुक्ति फाइल में फ्रेंड्स आपको क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप इसमें क्लिक करते हैं कुछ इस तरह के तीन एक्सपेक्ट रेशियो आपके सामने आएंगे। यहाँ पर दोस्तों जो आपको एक्सपेक्ट रेशियो सिलेक्शन करना है वह आपका 9:16 का। आपको गाइस 9:16 एक्सपेक्ट रेशियो में क्लिक करके अपना काइंड मास्टर को आपको ओपन कर लेना होगा। गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा काइंड मास्टर एप्लीकेशन है उसको मैंने ओपन कर लिया है। अब फ्रेंड्स आपको राइट साइड में जो ये मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले मीडिया फ्रेंड्स आपको क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा। और यहाँ से गाइस जो अपने मोबाइल या DSLR से दोस्तों आपको जिस तरह से मैंने बिहाइंड द वीडियो को शूट करने बोला है उस तरह उस वाले वीडियो को फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना होगा। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा बिहाइंड द सीन शूट किया हुआ वीडियो है उसको मैं सिलेक्शन कर लिया हूँ। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको फ्रेंड्स अपने वीडियो में उस जगह को सर्च करना है जहाँ से फ्रेंड्स आप अपने फर्स्ट वीडियो में दौड़ना स्टार्ट कर रहे हो। गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं मैं इस जगह से दोस्तों यहाँ पर दौड़ना स्टार्ट कर रहा हूँ अपना फर्स्ट वीडियो का। तो गाइस, आपको क्या करना है, आपको इसी मतलब ऑप्शन में कुछ इस तरह से क्लिक करके गाइस यहाँ पर आपको सीजर के ऑप्शन में क्लिक करके बाकी के जो आगे का दोस्तों इस वाले पार्ट है इसको फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह से हटा देना है। अब फ्रेंड्स आपको अभी उस जगह को सर्च करना है जहाँ फ्रेंड्स आप जंप कर रहे हो कुछ इस तरह से दोस्तों, यहाँ पर इस जगह पे जहाँ पे फ्रेंड्स आपका जैकेट को फेंक रहा है और फ्रेंड्स आप जहाँ पे जंप कर रहे हो आपको कुछ इस जगह से आपको सर्च कर लेना है। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करके दोस्तों आपको इसको दो भागों में कुछ इस तरह से आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद गाइस आप क्या कीजिएगा, आप फ्रेंड्स अभी उस जगह को सर्च कीजिएगा जहाँ फ्रेंड्स आप सेकंड जो आप वीडियो शूट किए हैं वहाँ पर जो गाड़ी के बीच में आप कहाँ से आ रहे हैं। गाइस देख सकते हैं इस जगह से मैं फ्रेंड्स गाड़ी के बीच में आ जा रहा हूँ। तो गाइस इस जगह को आपको भी अपने वीडियो में कुछ इस तरह से सर्च कर लेना होगा। सर्च करने के बाद गाइस जो ये जो आपको हिस्सा दिख रहा होगा दोस्तों इसको आपको हटा देना है। हटाने के लिए दोस्तों सिंपल सा आपको इसी सीजर में क्लिक करके गाइस आपको इस वाले ऑप्शन में सिलेक्शन करके आपको इसको हटा देना है। अब गाइस आपको क्या करना है, आपको फ्रेंड्स इसका अगर स्लो मोशन में अगर करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप इसको अपने हिसाब से इसको स्लो मोशन दे सकते हैं। स्लो मोशन देने के लिए गाइस आपको क्या करना होगा, सिंपल सा आपको उसी में क्लिक करना होगा। यहाँ पर गाइस आप स्पीड कंट्रोल का एक ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स आप अपने मर्जी के हिसाब से यहाँ पर अपना स्पीड कंट्रोल दीजिएगा और इसमें भी दोस्तों आप अपने हिसाब से यहाँ पर स्पीड कंट्रोल दीजिएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपना वीडियो को प्ले करके देखना है। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा वीडियो है कुछ इस तरह से तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से आप बहुत ही आसान इजी स्टेप को फॉलो करके आप इस तरह का वीडियो बना सकते हैं। अब फ्रेंड्स आपको लेफ्ट साइड में शेयर का ऑप्शन दिख रहा है देख सकते हैं, इस वाले शेयर में आपको क्लिक करके अपना फाइल को आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो गाइस उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो फटाफट एक लाइक कर दीजिए। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हो तो फ्रेंड्स आपको पता ही है कि आपको क्या करना है। तो गाइस मिला के देने के चले वीडियो पर एंड लगाते हैं।